दूध को अच्छा पका पका कर गाढ़ा कर लेंगे। अब शक्कर डालकर खोया बना लेंगे। खोया के दो भाग कर लेंगे, एक में ऑरेंज कलर डालेंगे और अच्छा मिला देंगे। अब एक बर्तन में घी की चिकनाई लगाएंगे और यह मिश्रण ऑरेंज कलर का इसमें डालकर इसे अच्छे से फैला देंगे। अब कढ़ाई में दूसरा खोया लेंगे, जो आधा पार्ट हमने रखा था, इसमें ग्रीन कलर डालेंगे, इसको अच्छा मिला देंगे। अब इसको ये ग्रीन कलर को ऑरेंज कलर के ऊपर डाल देंगे, अच्छे से इसको फैला देंगे और इसको ढककर हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे एक घंटे के लिए। अब इसको निकाल लिया हमने, बीच में से आधा काट लिया और उसको हमने पलट दिया है। जो ऑरेंज कलर है इसके ऊपर हम डाल देंगे बादाम, और जो ग्रीन कलर है इसके ऊपर हम डाल देंगे पिस्ता। अब त्यौहार में ये मिठाई खुद भी खाएंगे और दोस्तों को भी खिलाएंगे।